तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो कुछ दिन पहले आयन मुखर्जी ने अपने 7 साल से बन रहे प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और ट्रेलर एकदम ही बढ़िया था और 300 करोड़ के बजट के हिसाब से इस मूवी का VFX और CGI एकदम ही बढ़िया था। तो आयन मुखर्जी ने इस मूवी को मिला के 2 और मूवी बनाने का प्लान किया है, मतलब टोटल 3 मूवीज, और उन्होंने इस यूनिवर्स को नाम दिया है अस्त्रवर्स। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में हमने कौन कौन से अस्त्र देखे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हम लोग अपना पहला अस्त्र देखते हैं, जो कि है नंद्यास्त्र। ये अस्त्र नागार्जुन सर के हाथ में के ब्रेसलेट की पावर से यूज किया जाता है और इससे वो भगवान शिव के नंद्यास्त्र को यूज कर पाते हैं। आगे हम अमिताभ बच्चन सर को अलग अलग अस्त्र के नाम लेते हुए सुनते हैं। उसमें से पहला अस्त्र होता है जलास्त्र, और इसके नाम से ही हम जान जाते हैं कि इस अस्त्र में जल यानी पानी को कंट्रोल करने की पावर होती है। और इस अस्त्र को यूज करने वाली ये लेडी कौन है, इसके बारे में अब तक पता नहीं चला है, पर मुझे लगता है कि ये दीपिका पादुकोण या फिर तमन्ना हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इस अस्त्र को यूज करने वाली ये लेडी कौन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला अस्त्र है वायु अस्त्र, और ये एक पंच के फॉर्म में है, और इस सीन में जो घोड़े पर आदमी है वो मुझे लगता है कि नागार्जुन सर है, क्योंकि इस मूवी के पहले टीजर में हम लोग इनको ऐसे ही किसी जंगल में देखते हैं। अगला अस्त्र है अग्नियास्त्र। इस सीन में जिसके पास ये अग्नियास्त्र है सब लोग उनको शाहरुख खान बोल रहे हैं, और मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये शाहरुख खान ही है। तो जैसे कि बाकी अस्त्र पर्टिकुलर पावर को ही हार्नेस कर सकते हैं, तो उससे अलग अग्नियास्त्र से अलग अलग तरह के वेपन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तलवार और हनुमान जी की गदा। और हम इस सीन में उनके हाथ में एक त्रिशूल भी देख सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट अस्त्र है त्रिशूलास्त्र। इस मूवी में रणबीर कपूर का नाम ही शिवा है, तो इस मूवी में त्रिशूल दिखना लाजमी है। और ये अस्त्र किस भगवान का है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला अस्त्र है नागास्त्र। हम इस सीन में देख सकते हैं कि ये आदमी अपनी बोझ से नाग जैसा कुछ छोड़ रहा है, और मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये नागास्त्र ही होगा। अभी देखो इस ट्रेलर में ऐसे कुछ कुछ अस्त्र या फिर कहे पावर्स है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि इस सीन में गांव वालों के एक झुंड के पास अलग अलग अस्त्र है, और बाद में अमिताभ बच्चन सर के पास एक अस्त्र है जिसे वो इस सीन में फाइट करते हुए यूज करते हैं। उसके बाद इस बच्चे के पास लोगों को उड़ाने की पावर है, और इस बच्चे के पास शील्ड क्रिएट करने की पावर। शायद आपने ट्रेलर में ये सीन मिस कर दिया होगा कि इस सीन में जब वो बच्ची शील्ड क्रिएट करती है तब वो खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि शिवा और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो शील्ड क्रिएट करती है। और इसके बाद इस कैरेक्टर के पास बजरंगबली की पावर्स है, और मोनी रॉय जो इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रही है उनके बाइसेप पर भी एक अस्त्र है। और फाइनली जिस चीज पर मूवी बन रही है वो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जिनके पास इस पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर है, और ये पूरी मूवी इसी अस्त्र को पाने पर और उसे प्रोटेक्ट करने पर बेस्ट होगी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर एक बात कंफ्यूज कर रही है कि इस ट्रेलर में हमें 2 बार कैरेक्टर को दिखाते हुए अग्नियास्त्र की बात की गई है, एक यहाँ पर और एक शिवा के कैरेक्टर को दिखाते हुए। तो मुझे लगता है कि ये कोई पास का सीन होगा और किसी तरह से इसकी पावर्स शिवा को मिल गई होगी। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यही सारे अस्त्र थे जो हम मूवी के ट्रेलर में देखते हैं, शायद हमें मूवी में और भी अस्त्र दिखाई जाए। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में दिखे अस्त्र के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।